गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जैसे कि वी आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उत्तराखंड। सो अभी हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन बनाया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, मेडिकल टर्म्स के मॉडल है, सारे मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी जिसमें ब्रेस्ट फिटिंग पोजिशन, और इसमें आप देख सकते हैं सारी ब्रेस्ट फिटिंग पोजिशन है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे मॉडल है जिसमें से आप रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी देख सकते हैं, सिस्टमेटिक चेंजेस है इसमें शो कर रखा, और ये है फीटल डेवलपमेंटल स्टेज। फीटस जो माँ के पेट में बच्चा रहता है उसे बोलते हैं, और ये दिखा रखा है यहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस होती है जिसमें जो पेट में बच्चा रहता है वो माँ के साथ कनेक्शन बनाता है प्लेसेंटा के थ्रू। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे मॉडल से ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन से, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जब माता जो है अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उसके अलग अलग तरीके होते हैं वो है ये। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है जिससे जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ से जुड़ा रहता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। और आप ये देख सकते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को कैसे पम्प करता है अलग अलग सिस्टम में, ये वो दिखा रखा है। और ये आप देख सकते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज़, इसमें भी आपको बेबी दिखेगा जो पेट में रहता है उसी की एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई है। और ये आपको दिखा रखी है एक प्रोसेस ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस फीमेल्स में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। बाकी आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाई है, और यहाँ पे आपको दिखाया है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लेबर जो है गाइस वो जब बेबी बर्थ होने वाला होता है तो उस टाइम हमारे किस तरीके से वहाँ पे प्रोसेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, उसे लेबर बोलते हैं। और ये जो है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर है, मतलब उसकी भी कुछ स्टेजेस होती है लेबर की। लेबर मतलब है कि कुछ चेंजेस आते हैं हमारे यूट्रस में, फीमेल्स के यूट्रस में, जिससे जो है बेबी ईजिली बाहर को डिलीवर हो सके। तो गाइज जैसे कि अभी हमारे सीनियर्स के पास जो है गायनी सब्जेक्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपको जितने भी मॉडल्स दिखेंगे वो मोस्टली जो है गायनी से रिलेटेड है, एम्ब्रियो और फीमेल से रिलेटेड। बाकी आप देख सकते हैं लाइफ ऑफ फीटस भी बताया है, और यहाँ पे जो है फीटल स्कल बताया, फीटस मैंने आपको बताया है जो बच्चा पेट में रहता है उसे फीटस बोलते हैं। और अभी मेरी सीनियर कुछ बताएंगे। ये हमारा फीटस स्कल जिसमें हम तुम्हें सारे डायमीटर्स और एटीट्यूड और सारे लैंडमार्क्स बताएंगे। ठीक है। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सो इन दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।